तेल के इंपोर्ट की मुसीबत से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। शायद पहली दफा हो रहा है जब केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों के साथ ही देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से खास अनुरोध किया। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए लोग जो कर रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, और जिस तरफ वो ले जा रहे हैं, मुझे तो कोई लक्षण अच्छे नहीं नजर आते। अफ्रीका 5G होगा, ऐसे 2G चल रहा है हमारे पास। मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो एक ब्रॉड, वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माय ओन, ये मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना लोगों से। तो मतलब ये, मतलब क्या ये पॉसिबल है फ्यूचर में? खुदा ना खास्ता, वैसे तो यहाँ कभी भी ऐसी सूरत ना पैदा हो कि हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ हो, पानी साहब जो है ये बॉर्डर खुले होते, दोस्तियाँ होती हैं, चीज़ें होती, तो ये हमने इंडियंस को कहना था, उन्होंने आगे पाँच पाँच पैसे लाने सारे थे। अब हम उनको क्या कहें यार, आगे पैसे लगाओ ना लगाओ, क्या करना है क्या इसके अलावा कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, इसलिए कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। सब इस वक्त जो सकते की हालत में है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो और अगर किसी ने कोई करने की कोशिश की तो खून खराबा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल के आयात पर पाबंदी लगा दिया था। तब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया था, भारत को प्रति बैरल $10 तक की छूट दे रहा था। अब खबर निकल कर ये आई है कि अब रिलायंस इंडस्ट्री ने रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी ऑयल डील साइन कर ली है। ये भारत के लिए गेम चेंजर स्ट्रेटजी है, क्योंकि इससे भारत की एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि रिलायंस रशियन ऑयल लेकर दुनिया भर में अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। इस डील के मुताबिक रिलायंस रशियन कंपनी से 3 मिलियन बैरल पर मंथ खरीदेगा, वो भी अगले एक साल तक के लिए, और कहा जा रहा है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस कदम से भारत ने अपने आप को अगले एक साल के लिए सेफ कर लिया है, क्योंकि दुनिया भर में जो बड़े बड़े जंगे हो रही हैं उससे आगे चल के ऑयल प्राइस और बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार ने अपने प्राइवेट कंपनी को कहा था कि लॉन्ग टर्म एक डील कर लो। वही दूसरी तरफ रिलायंस ने साउथ अफ्रीका में भी 5G सेवा लाने जा रहा है, जिसे देख चीन पाकिस्तान सदमे में। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि हम यहाँ 2G चला रहे हैं और भारत साउथ अफ्रीका में 5G लाने जा रहा है। अगर भारत से हमारा रिलेशन अच्छा होता, अगर हमारा बॉर्डर खुला होता, तो अंबानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता और आज हम भी 5G चला रहे होते। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है, और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की है और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है, और ये डील कोई एक महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगु फरमाई, उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवाल थे जो उसके जवाब दिए, उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी, वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए
कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। और अब इंडिया की एक्सपोर्ट भी ज्यादा होंगी। एक तो लंबी डील्स वो कर रहे हैं कि भाई एक साल तक लेते रहो, जमा करते रहो, इसको एक्सपोर्ट करते रहो साफ कर करके और अपने पास भी रखते रहो। तो जिस वक्त मुश्किल वक्त आया तो कंट्रीज जहां रशिया से ऑयल ले रहे होंगे और दूसरे ऐसे कंट्रीज से ऑयल ले रहे होंगे, वहीं पर कंट्रीज के पास एक और कंट्री होगा ऑयल खरीदने के लिए, वो होगा इंडिया। और दोस्तों एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं। कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो गया, एक जिंदल गया, मोदी ये करना चाहता है, इमरान खान ने कहा जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है, मतलब इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। हमने पकड़ के पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा को 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ, मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो एक ब्रॉड, वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माय ओन, ये मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना पड़ा टू टॉक, बिकॉज मैं वाईफाई से बात ही नहीं कर सकता। मतलब दुख की बात, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से कि हम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। आप पटल पे बैठा हूं मैं, कैपिटल में भी अगर 4G नहीं चल रहा तो मेरे पेंट तो चलता ही नहीं है। जैसा कि आपने देख लिया, भारत की कोई भी बड़ी डील से ये पाकिस्तानी रोना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में 5G आ गया है और आज भी पूरे पाकिस्तान में 2G 3G चल रहा है। अगर पाकिस्तान POK खाली कर देता तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी ना होती। अकेले भारत से पाकिस्तान की हालत सुधर जाती, जैसे भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है। और आज अंबानी टाटा सब मिलकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते, आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।